इसी श्रृंखला में मंच पर विराजमान परम वंदनीय परम पूजनीय जगत गुरु श्री वैष्णव विष्णुदेवाचार्य जी महाराज के श्री चरण कमलों में वंदन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि आप आशीर्वचन प्रदान करें पूज्य जगत गुरु जी महाराज जो मिथिला धाम से पधारे हुए हैं। परमाध्यक्ष कथा रस रसिक आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज अनंत सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु अकारण कारण करुणा वरणाले सतघन चितघन आनंद घन परात पर ब्रह्म श्री रमन विहारी सरकार सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वपरि सर्वात्मा सर्वलंकार भूषित अनंत कल्याण गुण संपन्न श्रीमद स्वामी श्री अनंत श्री विभूषित गुरु शरणानंद जी महाराज मनसासीन भारत के कोने कोने में भगवत कथा सुधा का आप प्लावित कराने वाले परम पूज्य परम श्रद्धे मलक पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित स्वामी राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज मंच पर जते वृंद इस मंच के सुंदर संचालक महोदय श्री स्वामी सुमेधानंद जी महाराज ब्रह्मचारी वृंद श्रोता वृंद महान भाव आदरणीय पूजनीय सती साध्वी माताएं बहनों परमात्मा की वरी कृपा है इस कराल कलिकाल में हम लोग संत के चरणाश्रत होकर रमण विहारी सरकार की पादाम्बुज में बैठकर अपने जीवन की आनंदमय कल्याणमय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लगता है चर्चा चल रही है गुरु महिमा की। हमारे यहां अनेक गुरु हुआ करते हैं। दत्तात्रेय ऋषि को 21 या 24 गुरु हुए उस पर हमारी टिप्पणी नहीं है। अनेक गुरु से शिक्षा प्राप्त किए। अनेक गुरु होते ही आपने यज्ञोपवीत आपका हुआ उस समय भी आपका संस्कार परा गुरु जी दीक्षा दिए। आप विद्यालय में गए आपने अक्षर का ज्ञान प्राप्त किया वह भी आपके गुरुदेव हुए। ये सब शिक्षा गुरु ये शरीर के गुरु हैं। आत्मा के गुरु तो सदगुरु हुआ करते हैं। गुरु शब्द का अर्थ होता है अंधकार रू शब्द का अर्थ होता है प्रकाश। संसार में हम भ्रमित हो रहे हैं संसार में हम भ्रमण कर रहे हैं इसे अंधकार में रह रहे हैं। हनुमान चालीसा में एक दोहा आया है कृपा करह गुरुदेव की नाई। श्री हनुमान जी महाराज के दो शिष्य एक का नाम विभीषण है दूसरा का नाम सुग्रीव है। दोनों का दो लक्ष्य था। एक का लक्ष्य था ऐश्वर्य प्राप्त एक का लक्ष्य था ईश्वर प्राप्त। ध्यान देना प्यारे एक का लक्ष्य था ऐश्वर्य प्राप्त दूसरा का लक्ष्य था ईश्वर प्राप्त। हनुमान जी महाराज ने दोनों को दो चीज दिला दिए ईश्वर प्राप्त करा दिए और ऐश्वर्य दिला दिए। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा और राम मिलाय राजपद दीन्हा ऐश्वर्य प्राप्त और दूसरा शिष्य विभीषण तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। इसमें लंकेश्वर भी हुए और ईश्वर भी प्राप्त है। लंकेश्वर पीछे है ईश्वर प्राप्त पहले है। दोनों की दो चीज सच्चे दिल से अब बताओ कि ईश्वर प्राप्त करना चाहते हो कि ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हो।
गुरुदेव की यहाँ जब जाते हो, कुछ चढ़ाते हो, चलने समय में आशीर्वाद लेते हो कि मेरा बेटा मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन कर जाए, यही आशीर्वाद दीजिए आप। इस बार हमारी बेटिया की शादी हो जाए सरकार, इस बार हम केस जीत जाए, मामला मकान हम आशीर्वाद। गुरु जी जब चलने लगेंगे घर से तो आशीर्वाद लोगे, कुछ दक्षिणा दे करके गुरु जी आशीर्वाद दीजिए कि दूसरे बार आप आइएगा तो एसी मकान अटैच रहेगा, यही यही मांगते हो। लेकिन विभीषण जी महाराज ने पूछा प्रभु से, तीन कथा हनुमान जी जानते हैं और तीनों कथा तीन से सुना दिए, भगवत मिलनी कथा, करुणा करनी कथा और दुख हरणी कथा। ध्यान देना प्यारे, भगवत मिलनी कथा, भगवान कैसे मिलते हैं ये कथा जानते हैं, दुख कैसे जीवन में हरण होता ये कथा जानते, और करुणा भगवान कैसे करते हैं ये कथा जानते, तीनों कथा जानते। भगवत मिलनी कथा, विभीषण ने कहा हमें भगवान मिलेंगे, हनुमान जी ने कहा जब हमको भगवान मिले तो तुमको क्यों नहीं मिलेंगे, कहा आप में क्या विशेषता है, कहा विशेषता एक भी नहीं है, सारी कमियां कमियां। कहा क्या है, कहा प्रातले जो नाम हमारा तही दिन ताही ना मिलई आहारा, असमय अधम सखा सुनू मोहु पर रघुवीर। हमारे ऐसे पर जब कृपा किए तो तुम्हारे पर क्यों नहीं कृपा करेंगे, ये भगवत मिलनी कथा। करुणा दुख हरणी कथा, मातेश्वरी भगवती सीता कह रही थी त्रिजटा से, जल्दी अग्नि दो लकड़ी दो, हम जल करके राख हो जाएंगे। त्रिजटा ने कहा धैर्य धारण करो, दुख हरण करने वाला बंदर राज आ गया है, दुख हरने वाला सपने बानर लंका जारी आ गया है, धैर्य धारण करो। तब तक में जब से त्रिजटा निकलती है कि 13 दवा प्रयोग कर दिए हनुमान जी महाराज, चूंकि वैद्यराज भी है राम रसायन तुम्हारे पासा, 13 दवा काम जब नहीं की तो 14वें दवा प्रयोग कर दिए, कौन रामचंद्र गुण बरन लागा सुनी तहिसी ताकर दुख भागा, यह दुख हरणी कथा। करुणा करणी कथा मात्र 2 मिनट में, रघुनंदन ने पूछा प्यारे हनुमान सीता ठीक ठाक है ना, रघुनंदन के सामने हनुमान जी ने कहा ठीक कैसे रहेंगे, आपके वियोग में ठीक रहते हैं, वहां तो इतनी कठिन समस्या है, उनका प्राण जा नहीं रहा है, नाम पाहरू दिवस निसी, एक केवल आपका नाम ही वहां रक्षा है, एक रक्षक बना हुआ है, नाम पाहरू दिवस निसी ध्यान तुम्हारा कपाट। ये जैसे सुने आज तक जीवन में इतना दुख नहीं हुआ था, गोस्वामी ने संपूर्ण मानस में दुख सब रघुनंदन को नहीं लिखा, 55 वर्ष से मैं कथा कह रहा हूं, आज तक ये दुख का अनुभव हमने मानस में नहीं पढ़ा है, लेकिन संपूर्ण मानस में एक ही जगह है दुख की कथा, कहां कहां पिताजी मर गए दुख नहीं हुआ, लेकिन आज गोस्वामी ने लिखा सोनी सीता दुख और राजीव नैना और भाड़ी आए, सोनी सीता दुख प्रभु सुख ऐना और भाड़ी आए जल राजीव नैना, यह है करुणा करनी कथा। हनुमान जी तीनों कथा, भगवत मिलनी, दुख हरनी, करुणा करनी, आप अपने को सोचो कि
गुरुदेव की यहाँ हम ईश्वर मांगेंगे कि ऐश्वर्य मांगेंगे, ये आपका काम है। बोला आनंद कंद भगवान की। पूज्य चरण विष्णु देवाचार्य जी महाराज, जिन्होंने बहुत ही सुंदर बात कही, भगवान की कथा दुख हरणी है, मंगल करणी है, परम आनंद सुख प्रदायनी है। रामचंद्र गुण वर्णे लागा, और सुनते ही सीता कर दुख भागा। मंगल करण कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। भगवान की कथा मंगलों की खान है, ऐसा पूज्य महाराज जी ने हम सबको ये ज्ञान प्रदान किया, अमृत वर्षा करा के हम सबको आनंदित किया। धन्य धन्य ब्रज भूमि के तूने चरण चिन्ह यहाँ डाले, भाग्यवान है कृष्णा तेरे देश में रहने वाले। मैं ब्रज को रसिया ब्रजवासी, मेरो मन कान्हा को दास, आत्मा राधे की दासी। ब्रज की बोली मिठलौनी जी, ब्रज की बोली मिठलौनी, और ब्रज भूमि सी भूमि जगत में और नहीं होनी। तो ये जो ब्रज भूमि है, इसकी अगर आप लीलाएं देखना चाहते हो, देखते रहिए ब्रज भूमि न्यूज। मुक्ति कहे गोपाल सोंप, मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। चारों धामों से निराला ब्रज धाम और उसकी विरासत, संस्कृति, खान पान, रहन सहन का जीवंत माध्यम ब्रज भूमि न्यूज यूट्यूब पर, जहां नित्य ठाकुर दर्शन, संत महंतों के आशीष वचन, भावपूर्ण भजन, ठाकुर रासलीला के नित्य दर्शन, आध्यात्म पर चर्चा और आपकी जिज्ञासा के उत्तर, साथ ही मुख्य मुख्य आयोजनों का सीधा प्रसारण YouTube चैनल के माध्यम से। आप जुड़ें ब्रजभूमि न्यूज से और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आनंद लें ब्रजभूमि न्यूज का।